नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने का मानस है, क्योंकि हमारी बैचलर ऑफ मेडिसिन की सीरीज पिछले हफ्ते खत्म हो गई। तो इस नई सीरीज में मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्रायोस के बारे में बताऊँ, जो होम्योपैथिक मेडिसिन के ट्रायोस फेमस है उसके बारे में बताऊँ। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये सीरीज चालू कर रहे हैं, और आज का हमारा पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में सिर्फ मैं एक जनरल आइडिया दूंगा कि ये ट्रायल्स होते क्या है और इनका एक्शन किस तरह से होता है और किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ, इस सभी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। आपको यदि होम्योपैथी में रुचि है, आपको होम्योपैथी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए और आप इस सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो कर सके। एक प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, आप वहां पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्रायोस इन होम्योपैथिक मेडिसिन, ये है क्या कंसेप्ट। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रायोस का कंसेप्ट काफी दिनों से चालू था। इवन हैनीमैन के लिटरेचर में भी तीन मेडिसिन के ग्रुप हमें देखने को मिलते थे, लेकिन वो इतना प्रचलित नहीं था, लोगों ने वो कंपेयर किया और छोड़ दिया। लेकिन जो ये कंसेप्ट पॉपुलराइज किया है डॉक्टर ई बी नैश ने। इनकी लीडर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका नाम की बुक है, ये काफी फेमस है और बहुत अच्छी है। बहुत ही हटके मटेरिया मेडिका की बुक है और बहुत ही कंपेरेटिव आपको मटेरिया मेडिका इसमें देखने को मिलेगा। एक मेडिसिन से को दूसरी मेडिसिन से किस तरह से कंपेयर करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये हमें इस बुक के अंदर देखने को मिलता है। तो इन्होंने काफी सारे ट्रायल्स दिए हैं हमें, और ये ट्रायल्स समय के साथ में बहुत ज्यादा फेमस हुए। कई लोग इन ट्रायल्स में से ही मेडिसिन सिलेक्ट करना शुरू कर दिए और उनका सक्सेस देख के इनके ट्रायल्स बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। तो अपार्ट फ्रॉम नैश, हैनीमैन के ट्रायल्स मैंने जैसे बताया कि वो भी काफी फेमस है। इसके अलावा डॉक्टर फैरिंगटन, E.A. फैरिंगटन के ट्रायल्स भी काफी फेमस है। ये भी एक कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका वाले थे और इन्होंने भी इनके कंपैरिजन में तीन तीन मेडिसिन के कंपैरिजन काफी किए हैं। तो इनके भी जो ट्रायल्स है वो काफी फेमस हुए हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में हमारे इंडिया के बहुत ही दिग्गज होम्योपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर N.M. चौधरी। ये बहुत ही वर्सेटाइल ऑथर मैं कहूंगा इन्हें, और इंडियन कंटेक्स्ट में जो इन्होंने लिखा है, ट्रायल्स को समझाया है, बहुत ही जबरदस्त है। इनकी मटेरिया मेडिका अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनकी मटेरिया मेडिका जरूर रेफर कीजिए। तो ये कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने ट्रायल्स का कंसेप्ट काफी फेमस किया है। मेन जो क्रेडिट जाता है वो तो हालांकि डॉक्टर ई बी नैश को जाता है, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर फैरिंगटन, डॉक्टर हैनीमैन के भी ट्रायल्स बाद में काफी फेमस हुए। अब ट्रायल्स यानी क्या, तो तीन मेडिसिन का कंपैरिजन होता है ट्रायल्स के अंदर। कोई भी एक कंडीशन के लिए या एक बीमारी के लिए तीन वो बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी की चूज की जाती है जो उस कंडीशन को कवर कर सकते हैं या उस बीमारी को कवर कर सके, और उन तीन मेडिसिन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था। तो हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, एक एट अ टाइम एक एक ट्रायल को लेंगे और उस ट्रायल में एक एक मेडिसिन को, तीनों मेडिसिन को हम डिस्क्राइब करेंगे और कंपेयर करेंगे कि वो एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है और कौन सी कंडीशन में ये ट्रायल्स चलते हैं, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अब नया जो दौर आया है उसमें कई होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसे भी है जो ये ट्रायल्स की जो मेडिसिन है वो कंबाइन करके यूज करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे आते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्शन काफी अच्छा होता है। तो ये देखते हुए वो लोग काफी ट्रायल्स का कॉम्बिनेशन भी यूज करना स्टार्ट कर दिए, और ऐसे में ये ट्रायल्स रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुए और उनका अप्लीकेशन इस तरह से भी हमें होता हुआ देखने को मिला है। बहरहाल इन्हें कंबाइन करना है या ना करना है ये हर एक इंडिविजुअल डॉक्टर का अपना डिसीजन होता है, और इन ट्रायल्स का कॉम्बिनेशन यूज करना है या नहीं करना है इसका भी डिसीजन डॉक्टर ही ले तो बेहतर होता है, मन से इसका डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। हम उन तीनों मेडिसिन के जो डिफरेंसेस है, जो समानताएं हैं,
उनके बारे में जान सकेंगे, किस तरह से वो मेडिसिन एक दूसरे से भिन्न है इसके बारे में हम डिटेल में जान सकेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। तो ये था ट्रायोस के बारे में इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं होम्योपैथिक ट्रायोस में, क्या होता है, किसने लाया कंसेप्ट और किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, इन सभी के बारे में मैंने बताया। मेरे सीरीज को फॉलो करना ना भूलिए, और हाँ, मेरा मोरल बूस्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस सीरीज को फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं, बाय, जय।